मेरा पहला सीधा सवाल, क्या मुख्यमंत्री का ये बयान जायज है कि कम इस्तेमाल करो कम बिल आएगा, और ओवर बिलिंग की शिकायत हो रही है? जी हाँ, मुझे याद आता है कि फ्रांस में कहा गया था, जब क्राइसिस हुई तो कहा गया था कि तो भाई रोटी नहीं तो केक खाया करें। ये कुछ वैसा ही स्टेटमेंट है, और वो भी ऐसे मौके पे दिया जा रहा है जो कि बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आप देखें जिस तरह बिजली पानी को लेकर दिल्ली में दिक्कत हो रही है, और आप देखें इंटरनेशनल एवरेज जो पर कैपिटा पर डे वाटर कंजम्पशन का है उससे ज्यादा दिल्ली में है। आरटीआई के जो लेटेस्ट मिला है उससे 252 लीटर, मतलब हर घर में 125 बाल्टी, अगर 12 लीटर का एक बाल्टी मान ले तो हर घर हर परिवार को 125 लीटर पानी मिल रहा है। आप जरा सोचिए किस तरह से पानी को लेकर झगड़े होते हैं, मुकदमे होते हैं। सवाल ये कि फिर टैंकर क्यों लगे हुए अगर इतना पानी मिल रहा है तो लोग लाइन लगा के क्यों खड़े हुए? एक्जेक्टली, इसका मतलब कि किसी तरह से वो या तो लीकेज हो रहा है या ओवर बिलिंग हो रही है या आंकड़ों की बाजी करी है, आंकड़ों की बाजी करी है ताकि करप्शन करप्ट चैनल में वो पूरा का पूरा जा रहा है। आप यहां देख ले, यहां पे आप तो सोनिया विहार में अगर आप देखें तो यूपी से जो पानी आता है आप ताजुब करेंगे कि यूपी का क्लेम है कि उसने 94 मिलियन गैलन दिया है, लेकिन जो बिलिंग हुई है वो 141 मिलियन गैलन की हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा इसमें जो करप्ट चैनल्स हैं उसका ये प्ले है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सीरियस प्रोपोर्शन एज्यूम कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें गवर्नमेंट को सोचना होगा। अतुल गोयल साहब, किन किन ऐसे इलाकों में जाते हैं आप, आरडब्ल्यूएस से समस्याएं आपको मिलती है कि यहाँ पे पानी नहीं आता? साहब देखिए, दिल्ली में दो तरह के इलाके ज्यादातर हैं, एक तो रूरल बेल्ट है या जे क्लस्टर्स हैं, दूसरा अर्बनाइज एरिया टोटल। दोनों ही जगह पे सेम प्रॉब्लम है। जो अर्बनाइज एरियाज हैं वहां पे पानी की किल्लत है कि पानी सुबह 1 घंटा आता है, शाम को 1 घंटा आता है, बाकी दिन 24 घंटे पानी 22 घंटे पानी नहीं आता। जो दूसरी पॉकेट्स है वहां पे पानी का नल ही नहीं है, पाइपलाइन ही नहीं है, इसलिए वहां पे टैंकर भेजे जाते हैं। अब ये अपने आप में एक माफिया सरकार इस तरह से चलवा रही है कि पानी वहां से अपने स्टोर से निकाला जाए और जिसका कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती, और वो वहां पे जाया जाए और वहां पे लोग डब्बे लेके खड़े होते हैं और उनको 10 रुपए 20 रुपए में बाल्टी बेची जाती है। मतलब ये पानी बिक रहा है, पानी बिक और रहा इसमें है। दीपक, आप ये ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी 9400 के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा मानी जाती है, मुंबई के बाद हाईएस्ट मानी जाती है। इससे इसमें डिलीवरी के लिए बहुत ईजी था, आप वाटर कनेक्शन बहुत आसानी से दे सकते थे क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जहां डिलीवरी जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है वहां पे डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है, आपके पावर लाइंस नहीं जा पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस नहीं जा पाते हैं, पानी की लाइन नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहां पे वो दिक्कत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई करप्ट चैनल में ये पूरा का पूरा जा रहा है और जनता को उसका बर्डन झेलना पड़ रहा है। जैसे आप देखें 8 साल में पानी का बिल 18 गुना बढ़ा है, 18 टाइम्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह पानी को लेके जनता में आक्रोश होगा। मुझे लगता है कि इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये अभी 5 गुना और बढ़ने वाला है, जो 18 गुना की बात आप सिंह साहब बता रहे हैं, जो हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से 5 गुना और बढ़ जाएगा, मतलब 90 गुना हो जाएगा अगर फ्यूचर में अगर यही सब चलता रहा तो। और जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। और पानी को प्राइवेटाइज करने की बात भी हो रही है, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन को, जिस तरह बिजली को किया गया है और त्राही त्राही मची हुई है। आप देखें प्राइवेटाइज बिजली जिस तरह आई है, टीएनडी लॉसेज आपने प्राइवेटाइज करने के साथ ये लॉजिक दिया कि साहब टीएनडी लॉसेज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हमारे काफी कर्टेल हो जाएंगे, जो 55% थे, और आपका दावा रहा कि 40% कम हो गया, इस समय 15% टीएनडी लॉसेज है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर कहां वो 40% जो लॉस कम हुआ वो क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? क्या वजह है कि 3 साल में बिजली का बिल डबल हो गया? 3 साल में क्या डबल हो सकता है बिजली का बिल? हम इंतजार कर रहे हैं मुकेश शर्मा जी का, जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं सीएम शीला दीक्षित के, वो यहां पर जुड़ेंगे हमारे साथ, विजेंद्र गुप्ता भी जी भी जुड़ेंगे। लेकिन अतुल गोयल साहब, जो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल मेरा ये है, अगर ये सब कुछ है तो क्या हो चमत्कार है ऐसा कि शीला दीक्षित बार बार जीतती जाती है? और देखिए चमत्कार बड़ा साफ दिखाई दे रहा है, 2005 से हम बिजली का आंदोलन दिल्ली के अंदर चला रहे हैं। जब पहली बार दिल्ली में बिजली का रेट बढ़ा था 10%, उस समय आरडब्ल्यू की मूवमेंट से हमने उसको वापस रोल बैक कराया, और उसके बाद से 2008 तक पैसा नहीं बढ़ पाया। पर जैसे जैसे सरकार को लगने लगा कि हम जनता हमें दोबारा कुर्सी पे बिठा रही है, उनके अंदर वो घमंड और वो जो नशा जो है वो आने लगा, और उसके बाद जब तीसरी बार इलेक्शन हुआ तब तो वो बिल्कुल ही बेलगाम हो गए, क्योंकि कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है और हमारे पास पूरी पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही कुर्सी पकड़ी उन्होंने, तीसरी बार आते ही बिजली के दाम बढ़े, पहले विजेंद्र सिंह जी को हटाया गया,
उनका इंतजार किया गया कि कैसे वो हटे कुर्सी, रातों रात हटाया गया। और जैसे ही विजय सिंह ने ये कहा कि नहीं साहब दिल्ली में 23% आप टैरिफ कम कर सकते हैं बिजली का, तो रातों रात 4 मई को उनको हटा दिया गया और उनका जो रिपोर्ट था उसको सबमिट नहीं होने दिया गया। उसके बाद अपने मनपसंद चेयरमैन को आप ले आके और चीजें मैनिपुलेट करा। सर यहीं तक नहीं, मई के अंदर टैरिफ लागू होना था, अक्टूबर में बिजेंद्र सिंह जी को रिटायर होना था और उसके बाद सरकार को मालूम है कि नया चेयरमैन अपॉइंट करना है और उन्होंने अपॉइंट नहीं किया अक्टूबर तक, उसको लिंगर ऑन किया अगले साल अप्रैल तक। टैरिफ लागू होना था, अक्टूबर में बिजेंद्र सिंह जी को रिटायर होना था और उसके बाद सरकार को मालूम है कि नया चेयरमैन अपॉइंट करना है और उन्होंने अपॉइंट नहीं किया अक्टूबर तक, उसको लिंगर ऑन किया अगले साल अप्रैल तक। 6 महीने 8 महीने का गैप रखा और वो भी सब इतना इसलिए हुआ कि दिसंबर के अंदर हमें हम लोगों को दोबारा एक्टिव मोड में जाना पड़ा कि चेयरमैन साहब कहां हैं नए, हमें एक आरटीआई लगानी पड़ी और उसके ऊपर सरकार हिली, कोई एक्शन हुआ और उसके बाद अप्रैल में जाके अब देखिए अक्टूबर में रिटायर हो गए और अप्रैल तक सरकार सोई हुई है कि 20% का जो रेट 23% का जो घटना था उसको मुझे बढ़ाना है। सरकार जब भी जब हर साल एक उल्टा कर रही है एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट्स, एनुअल एआरआर जो फाइल करते हैं, हर साल एक प्रोसेस चलता है कि हम किस तरह से टैरिफ बढ़ाएं और वो टैरिफ बढ़ाने का प्रोसेस जैसे ही पास में आता है सरकार की तरफ से टिप्पणियां चालू हो जाती है। कोई पूछे ये काम सरकार का नहीं है, ये सरकार का काम डीआरसी का काम है कि रेट घटाना है या घटाना है या बढ़ाना है, पर जैसे ही एआरआर फाइल होती है सीएम की तरफ से पिछले 3 साल से लगातार स्टेटमेंट आती है कि बिजली की कमी है, अगर बिजली चाहिए तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे, एज इफ कि जैसे वो पावर सप्लाई कंपनीज की सीईओ की तरह काम कर रही है। जैसे अभी जो आप स्टेटमेंट सुना रहे थे हमें कि सूट पहनते हैं आप 100 रुपए का है और 200 रुपए का है, महंगा सूट लेना है, पर वो बिजली से कंपेयर कर रही है, पर बिजली के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आप 100 रुपए की और 200 रुपए की लेंगे तो क्वालिटी बदल जाएगी, बिजली तो उसी क्वालिटी की रहने वाली है। हाँ क्वालिटी ये जरूर फर्क पड़ जाएगा कि अगर मैं बिजली के दाम बढ़ा दूंगी तो मेरी जेब में कितना पैसा आने वाला है उसके अंदर जरूर फर्क पड़ जाएगा। और के अंदर यहाँ पे बड़ा सवाल, क्या साठगांठ है, क्योंकि यही आरोप शीला दीक्षित पर बार बार लगते रहे। नहीं मैसिव है ये, अब तो प्रूव हो चुका है, क्योंकि टेंजिबल टर्म्स में अगर आप देखें तो पावर सप्लाई हमारी बहुत पुअर है, हमारा वाटर सप्लाई बहुत पुअर है, लेकिन जो बिलिंग हो रही है वो उसके कई टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब है, और यही विजेंद्र ने जब कहा था तो यही रिपोर्ट दी थी कि कहीं ना कहीं ये बिजली रिलायंस की अपनी जो फेक फर्में हैं, उनकी जो अपनी फर्में हैं, उनको वो बिजली सस्ते दरों में ट्रांसफर हो जा रहा है और उसके बाद वो उसको जैसे चाह रहे हैं आगे बेच रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ा है, जो कि पे ऑफ सिस्टम का जो करप्शन होता है उसका एक बेस्ट नमूना है मेरे ख्याल से, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दीपक आपने जो कहा कि लगातार जीतती क्यों है, उसको हम बता दें, 55% कांग्रेस को वोट मिले थे फर्स्ट इलेक्शन में, उसके बाद जो पिछला इलेक्शन था 15% का ड्रॉप है, 15% 40% पे आ गई है कांग्रेस, और ये 15% बीएसपी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरी है, 14% उसके वोट है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत अच्छा की है, ठीक है सीट के टर्म्स में होता है, क्योंकि हमारा एफपीटीपी सिस्टम ऐसा है इलेक्शन का कि इसमें सीट में नजर नहीं आता, लेकिन सपोर्ट बेस ड्रास्टिकली गिरा है और मुझे ताजुब नहीं होगा कि अब की बार चीजें काफी बदले। लेकिन अतुल गोरा जी, आप आंदोलन करते हैं आरडब्ल्यू की तरफ से, आप धरना करते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार तो लगता है वो सब भी नाकाफी है, बीजेपी भी करती है, बाकी सब लोग भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल नाकाफी लग रहा है। बिल्कुल नाकाफी हो गया है, सरकार एक चिकना घड़ा हो गई जिसके ऊपर पानी की बूंद ठहरती नहीं है। जितना मर्जी आप आंदोलन कीजिए, जितना मर्जी गिड़गड़ाइए, जितना मर्जी रोइए, बिकॉज उनका एम बड़ा साफ है, क्लियर है कि उनको ये मालूम है कि इस सब इतने बिजली के रेट बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, साफ बिल्कुल साफ। लेकिन एक बात है, पब्लिक में आप लोग का जो एजिटेशन हो रहा है उसे पब्लिक में मैसेज जा रहा है, और एक बड़ा वर्ग है जो सबसिस्टेंस लेवल पे है, ये दिल्ली को आप सिर्फ लुटियन दिल्ली से ना देखिए, एक बड़ा वर्ग है वोटर का जो कि सर्वाइवल पे, बेयर मिनिमम सर्वाइवल पे है, और उसके लिए बिजली पानी सड़क ये इंपॉर्टेंट चीज है, और मुझे लगता है कि अब की इलेक्शन में ये मेन मुद्दा होगा। और जो हैव नॉट्स है, जो रियल, क्योंकि आपने फ्लाईओवर्स बनवा दिए, फ्लाईओवर से उस गरीब को मतलब नहीं है जो झुग्गी में रहता है, लेकिन जब वो वोट जाने जाएगा तो उसकी बिजली पानी ये मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और उस काउंट पे मुझे लगता है कि सरकार मिजरेबली फेल कर रही है, रीजन चाहे जो भी हो। इन सबके ऊपर छोटी सी बात आपके बीच में डालना चाह रहा हूं, इन सबके ऊपर लुटियन दिल्ली की बात आपने सिंह साहब ने बोली, पर लुटियन दिल्ली के अंदर सबसे कम रेट है बिजली के, बाकी दिल्ली की बनी सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जहां पे कि सारे वीआईपी सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं उस जगह पे, और उनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना होता है जी, और वहां पे सबसे कम रेट है,
ये मतलब समझ से परे की बातें हैं और वहां पे कोई बिजली की चोरी नहीं है। समझ से परे की बातें। एनके सिंह जी, आपको इसके पीछे क्या रैशनल नजर आता है, क्यों वीआईपी इलाकों में बिजली के दाम कम रखे गए हैं और क्यों रेसिडेंशियल इलाकों में ज्यादा? नहीं देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब आपने प्राइवेटाइज किया तो प्राइवेटाइज के साथ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो उसको ओवरसी करता है। आपने डेवलप किया दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं अपना शिकंजा रखा। अब होता यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स किस तरह से मैनिपुलेट करके गवर्नमेंट को चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं, इसका बेस्ट नमूना दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी में देखने को मिला। जब एक रिपोर्ट आती है और कहा जाता है कि साहब ये 40% टीएनडी लॉसेज जो कम हुए हैं, कम से कम खुदा के लिए इसका फायदा उनको तो दे दीजिए, जनता को, तो आपने वो तो नहीं दिया, 3 साल में डबल कर दिया रेट। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोई नेक्सस है जिसको कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर पॉपुलर गवर्नमेंट होना है तो वो देखना पड़ेगा। इस समय कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हम लोग के साथ नहीं है, वरना ये सवाल उन्हीं से किया जाना चाहिए कि क्या वजह है कि आप इतने इंडिफरेंट हैं। ये सामने सामने दिखाई दे रहा कि एक जबरदस्त नाराजगी है गवर्नमेंट से बिजली पानी को लेके, लेकिन आप उसको भी देख के चेत नहीं रहे हैं। हम लगातार